देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का कृत्य सामने आया है और जिन भी लोगों ने, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, कितना बड़ा लाडसा हो, अगर उसने यह कृत्य किया है, जैसा कि साफ उजागर हो चुका है, उसी ने उस बेटी अंकिता की हत्या की है, उसको नदी में डाला है, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि पुलकित को मौत की सजा, सजाए मौत मिलनी चाहिए। ये सब घटना जो घटी है, ये महत संजोग है, लेकिन जत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। देवभूमि हरिद्वार पर इस तरह की कुत्सित घटना जो बेटी अंकिता के साथ हुई है, वह निस्संदेह निंदनीय है। और अपराधी चाहे सरकार में हो, चाहे सरकार के बाहर का हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे जितना बड़ा संवैधानिक पद पर हो, उसे और उसके परिवार के साथ उचित दंड जो कानूनी प्रक्रिया के तहत है दिया जाना चाहिए। उत्तरांचल सरकार ने जो उनके रिसॉर्ट को बुलडोजर से गिरा दिया, मैं उत्तरांचल सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। और यह एक अच्छा संकेत है कि भविष्य में इस तरह के कदाचारियों, बलात्कारियों को, जो हमारी बहू बेटियों पर डोरा डालते हैं, उनके लिए संदेश है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और अंकिता हत्याकांड की जितनी भी निंदा की जाए, उतनी कम है। उत्तराखंड में जिस तरह से सरकार चल रही है और वहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद के जो रिसॉर्ट का मामला है, वो अंकिता बेचारी इतने दिनों से वहाँ काम कर रही थी, और जिस तरह से देह व्यापार के धंधे में भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे उतारना चाह रहे थे, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और इस पर पूरा देश एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि उनके नेता इस तरह का अभद्र कार्य कर रहे हैं। किसानों के साथ टेनी जी के बेटे ने जो हरकत की, उसके बाद बीजेपी के ये नेता, उनके बच्चे ने जिस तरह से हरकत की, और ये इस तरह की ये चीज़ें, यह देश में शर्म की चीज़ें हैं और शर्मनाक चीज़ें हैं। अपराध को आप राजनीतिक दलों से बाहर रहकर सोचिए। अपराधी किसी भी राजनीतिक दल में हो सकते हैं, भाजपा में, कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, कहीं भी हो सकते हैं। और अपराध मुक्त सिर्फ विज्ञापन दिए जा सकते हैं, अपराध मुक्त समाज नहीं हो सकता। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि घटना के बाद क्या सरकार ने उसे गंभीरता से लिया, क्या दोषियों को बचाने की कोई कोशिश तो नहीं की गई। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब सत्तारूढ़ दल के लोग किसी घिनौने हत्याकांड पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा है कि कानून व्यवस्था, अगर हम उत्तराखंड तो हम है नहीं, हम तो यूपी में है, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था में जिस तरह से योगी जी चला रहे हैं, इस तरह से रहता तो अभी तक न्याय मिल चुका होता। लेकिन हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ये व्यवस्थाएं अभी लागू नहीं हो पाई हैं, या कहेंगे वो सरकार निष्क्रिय हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रहे हैं और लोगों से जागरूक कर रहे हैं, वहीं एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, और उस जो हत्या करने वाला है वो भाजपा से जुड़ा हुआ लोग कह रहे हैं, भाजपा से जुड़ा हुआ है। देखिए, कानून व्यवस्था की बात करें तो एक 19 साल की लड़की को बेरहमी से कत्ल करके फेंक दिया गया, और वो भी सत्ता पार्टी के नेताओं के बेटे द्वारा। अब देखना ये होगा कि लड़की को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि वो लड़की 19 साल की थी, अपने घर की एकमात्र कमाने वाली थी, रोजी रोटी चलाने के लिए वो उनके रिसॉर्ट में जॉब करती थी, उसको ज़बरदस्ती जो है वैश्यावृत्ति के धंधे में वो लोग डालना चाहते थे। जब लड़की ने मना किया तो उन्होंने उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया। अब पूरा देश इंसाफ की बात तो कर रहा है, लेकिन हुक्मरानों के कान पर जू रेंगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मॉडल पे काम हो, योगी आदित्यनाथ के मॉडल पे काम हो, पहले तो बुलडोजर से उसका मकान गिराया जाए, उन लोगों सलाखों के पीछे भेजा जाए, और जो आरोपी उसमें हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इनके मामले की सुनवाई करते हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे आते हुए जल्द से जल्द जो है इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और जो इनका उचित सज़ा है वो इनको मिलनी चाहिए। ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, चाहे किसी का भी राज हो। जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले, उन्हीं के लोग ये लोग हाथ से करेंगे तो और लोगों का क्या होगा, और लोगों का मनोबल ही बढ़ेगा। जब इनके लोगों को खुद सज़ा नहीं मिलेगी तो और लोग आगे बढ़ेंगे इस कांड करने के लिए। इनको चाहिए कि इन लोगों को भी फांसी की सज़ा देनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए कि और लोगों का मनोबल इस ना बढ़ पाए, और सरकार की कोई भी इसमें गलती नज़र ना आए किसी को। ये भी लगे कि हाँ, सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ इन लोगों ने भी अपने लोगों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, तो दूसरों को क्यों छोड़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से एक
महिला एक लड़की की हत्या होती है और उत्तराखंड सरकार जो है इस पर चुप एकदम मौन है, इसको लेकर के एक आंदोलन की ज़रूरत है। वो उत्तराखंड सरकार इसको संज्ञान में ले और न्याय संगत सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जहां माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बेटियों के प्रति इतने समर्पित, यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर पूरे देश में एकता का सूत्र जो उन्होंने बांधा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उत्तराखंड सरकार। हम आपको बता दें कि हम यूपी से हैं, अगर ये मामला यूपी से रहा होता तो अब तक उस लड़की उस परिवार को न्याय मिल गया होता। हमारी उत्तराखंड सरकार से ये मांग है कि वो निश्चित रूप से एक परिवार के लोगों को एक नौकरी नहीं तो एक निश्चित धनराशि मुआवजे के तौर पर उसके परिवार को मिलनी चाहिए। ये जो घटना है उत्तराखंड की पूरा पूरा उजागर कर रही है वहाँ के कानून व्यवस्था को। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में घटना हुई, दो बच्चियों को मार के टांग दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। और मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव और बस्ती मंडल का संस्था प्रभारी, मेरे ऊपर 17 तारीख को रात में 10:15 बजे के आसपास फायरिंग हुई और मैंने तहरीर दिया, इन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज किया लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अगर दोनों राज्यों की तुलना की जाए तो हालांकि दोनों जगह भाजपा की सरकार है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों से कहीं बहुत बेहतर है। सरकार अपना काम कर रही, घटनाएं घट जाती हैं तो तुरंत की तुरंत कार्रवाई होती है, महाराज जी स्वयं संज्ञान लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो जिले के आला अधिकारी हैं बैठे हुए हैं वो अपने गुर्गों को छोड़े हो पैसा वसूली के लिए, किसी की हत्या हो जाए तो जो हत्यारा है उसके ऊपर FIR नहीं होता, FIR दूसरे के ऊपर हो जाता है। ये घोर, ये बहुत बड़ी निंदा का विषय है। कोई कार्रवाई के नाम पे केवल ये सरकार द्वारा ढकोसला किया जा रहा है, जहाँ उत्तर प्रदेश द्वारा उनके पद से हटाया जाना हो, जहाँ वहाँ उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की बात हो, ये सब केवल एक कोटा पूरा करने का काम किया गया है। और रही बात महिला सुरक्षा की, महिलाएँ बहू बेटियाँ एकदम बुरी तरह से असुरक्षित हैं, उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति से सबसे दयनीय है। अब कानून के ऊपर कैसे कोई विश्वास है जब जनप्रतिनिधि ऐसे कर रहे हैं, जब जनप्रतिनिधि ऐसे कर रहे हैं तो और इससे ऊपर किस पर विश्वास किया जाए। जो कानून के तहत हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे जितने बड़े पद पर हो। उत्तर प्रदेश में भी कोई खास व्यवस्था वो नहीं है, तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आए दिन अखबारों में पढ़ा जाता है कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, कई जनपदों में उनके साथ, बस्ती जनपद से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारी महिला, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। देव भूमि उत्तराखंड जो पवित्र भूमि है, इसको जो ऐसे दरिंदों ने एक अंजाम दिया है, ये वास्तव में दुखद घटना है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय और फैसला एकदम कार्रवाई की है, ये सराहनीय है। लेकिन मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप ऐसे दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जल्दी जल्दी सजाए, फांसी की दिलवाने का काम करें और दे देनी चाहिए। हमारी फांसी की मांग है इन अपराधियों को। ये अपराध कैसे रोकेंगे जब आपका शासन प्रशासन एक्टिव होगा। सवाल उठता है शासन प्रशासन पे कि 4 घंटे बिटिया के पिताजी थाने से बाहर, कितने लाचार मजबूर हैं। ये एक मनुष्य की बात नहीं है, जो गरीब आदमी तरी लेकर थानों में जाता, हर थानों का हाल यही है। अपराधी के पिताजी कुर्सी पे बैठकर स्पेशल चाय पी रहे हैं, ये सवाल उठता है वहां के थाने पर। कौन है थाने को सस्पेंड किया, ये भी मांग है हमारी। अपराध जब रुकेंगे जब ऐसे माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए बर्दी जो हमारे अधिकारी हैं सख्ती से पेश आए। बड़ा शर्म का विषय है कि उन दरिंदों ने
जो एक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि ऐसे दरिंदों को मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जिंदगी भर अपने जो उन्होंने ये गलत काम किया है, जिंदगी भर उस काम अपने उस सज़ा को देखें और पछताएं। ऐसे व्यक्तियों के हाथ पाँव कर देने चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को नपुंसक ही बना देना चाहिए ताकि वो जिंदगी भर अपनी उस सज़ा को देखते रहें और पछताएं कि हमने ज़िंदगी में ये इतना गलत काम किया है। जैसे कि अंकिता भंडारी का जो ये केस हुआ है, तो इसमें हम पूरा उत्तराखंड वाले इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कानूनी जितनी भी कार्रवाई उसमें हो सकती है वो करें, नहीं तो फिर जनता इसके लिए उग्र हो जाएगी इस घटना को देखते हुए। मैं अंकिता के केस में बोलना चाहूँगा कि इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने इतनी बर्बरता से ये काम किया है, और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनको फांसी की सज़ा हो। शर्म की बात है कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ बहुत ही निंदनीय अपराध हुआ है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और पंथरा रिजोर्ट का ध्वस्तीकरण किया जाए ताकि अगली बार कोई गुनहगार ऐसी गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे और हमारी देवभूमि उत्तराखंड की बहू बेटियां सुरक्षित रहे। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, अभी हमारी उत्तराखंड की बहन अंकिता भंडारी के साथ जो भी ये निंदनीय घटना हुई है, जिससे हमारे पूरे उत्तराखंड में सभी के अंदर एक रोष है जो कि नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से मतलब युवाओं में बहुत ही ज़्यादा रोष है कि ऐसा मामला इससे पहले उत्तराखंड में शायद ही नहीं हुआ होगा, मगर ये पहला ही मामला था। मगर हम चाहते हैं कि इस हत्याकांड में जो खुलासा हुआ है, जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि हमें कल ज्ञात हुआ कि रात को 2 बजे उनके यहाँ बुलडोजर चढ़ा दोषियों के यहाँ, ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है धामी सरकार द्वारा। जो हमारी बहन के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया है अंकिता भंडारी के साथ, उसके लिए मैं चाहता हूँ फास्ट जितनी जल्द से जल्द में कार्रवाई हो सकती है तेज़ी से कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन दोषियों को हमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैं चाहूँगा जो हमारी सरकार उत्तराखंड सरकार है उसमें कठोर से कठोर जितना उन जो निर्णय ले सकती है उस पर ले, और जो उनके रिसोर्ट वगैरह हैं ये हैं सब हटाएँ, और जो हमारी माँ बेटी हैं बहनें हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ऐसे रहें कि हमने एक स्तंभ होता ना उस तरह रहें, इस तरह नहीं कि हमको डर के जिए या कैसे जिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इस देवभूमि की जो वादियाँ हैं उसी तरह हमारी माँ बेटे भी इस तरह वादियों में घूमें। हमारी उत्तराखंड की देवभूमि में जो ये अंकिता के साथ अप्रिय घटना हुई है, जो दर्दनाक घटना हुई है, शर्मसार करने वाली है ये घटना। अंकिता हमारी बहन है, बेटी है, और अंकिता की जो दोषी हैं उन्हें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार से कानून से ये गुजारिश है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देखिए जो प्रदेश में हमारी अंकिता भंडारी के साथ जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हमारी और भी इस तरह की कई बच्चियाँ और भी कार्यरत हैं, जॉब करती हैं, तमाम रेस्टोरेंट में मॉल में हैं, कई जगह ऐसी बच्चियाँ काम करती हैं, इनको लेकर भी सरकार को सहज रहना चाहिए। और ये अंकिता जो हमारी भंडारी है, इस बहन के लिए जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है, निर्भया हत्याकांड हुआ है। जो भी दोषी हैं सरकार और पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। देखो ये जो हमारी बहन के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और हम सरकार से एक ही निवेदन चाहेंगे कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी का फंदे पर चढ़ाया जाए उन्हें।